हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन और बटर नान की रेसिपी। आप घर पर ही बटर नान कैसे बना सकते हैं एकदम सिंपल वे से, वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये रेसिपीज। तो यहाँ मैंने एक परात में 2 कप मैदा ले लिया है। ये मेजरिंग कप से मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसी में मैं डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही मैं उसमें डालूँगी शुगर, बारीक शुगर है ये मेरी, या आप पाउडर भी यूज़ करते हैं, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसी में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल है रेगुलर, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सभी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं इसमें डालूँगी 3 टीस्पून, 3 से 3.5 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कर्ड। ये घर का जमा हुआ है, थोड़ा सा खट्टा है इसीलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैं अच्छे से गूंथ लूँगी। नीम गरम पानी लिया है मैंने और इसे मैं इससे गूंथ लूँगी। पहले हम दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर आटा हम पानी से गूंथ लेंगे। जितना भी पानी हमें लगेगा उतना हम थोड़ा थोड़ा कर इसे यूज़ करेंगे पानी और गूंथ लेंगे। देखिए ये अब अच्छे से गूंथ गया है। ये थोड़ा चिकना होता है, स्टिकी स्टिकी रहता है, तो आप इसे तेल का हाथ लगाकर अच्छे से गूंथ लें जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक हम इसे गूंथ लेंगे। 1-2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इसे गूंथने के लिए। देखिए अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं एक बोल में इसे डाल दूंगी और इस पर मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगी ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, इसलिए हम एक तेल का हाथ इस पर लगा देंगे। और इसे मैंने एक कच्चा रुमाल ले लिया है छोटा, उसे मैं इसे कवर करके 1-2 घंटे के लिए तो कम से कम छोड़ेंगे, ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा 2-3 घंटे के लिए, लेकिन मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम करेंगे कढ़ाई चिकन की तैयारी। उसके लिए मैंने एक ले लिया है कढ़ाई और उसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है रेगुलर, और मैं इसे अच्छे से अभी गर्म होने दूंगी। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला लिया है मैंने, 2-3 लौंग है, स्टार है और तेज पत्ता है, 1-2 काला मिर्च है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मैं फ्राई करूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी प्याज जो मैंने लंबी लंबी काट कर रखी थी। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसे मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया था और मैं इसे फ्राई करूंगी लाइट ब्राउन होने तक। जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है मैंने यहाँ पर मिक्सी ले लिया है, उसमें मैं डालूंगी ऑनियंस रफली चॉप्ड। 1 ऑनियन लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, 3 से 4 ग्रीन चिलीज ले रही हूँ मैं, 1 टीस्पून तिल और 1 टीस्पून खसखस ले रही हूँ मैं, और 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ ड्राई कोकोनट पाउडर है ये, आप ग्रेटेड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले लें। और इसे मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए हमारी प्याज अभी ब्राउन हो गई है। हमने जो ये लिया था ना तिल और खसखस, उसे आप थोड़ा सा रोस्ट कर लें, खोपरे को भी आप रोस्ट कर लें ताकि उसका फ्लेवर और अच्छा आए। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अभी हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है, उसी में मैं डाल दूँगी मेथी। यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी, आप देख सकते हैं 2 मुट्ठी मैंने मेथी डाली है, ये पकने के बाद बहुत कम हो जाती है। ये मेथी को हम 1-2 से 3 मिनट पका लेंगे। देखिए आप कितनी कम हो गई है। इसकी जगह पर आप जो छोटी मेथी मिलती है वो भी आप ले सकते हैं।
अभी हमारी मेथी पक गई है। अभी मैंने ले लिया है चिकन, 500 ग्राम्स चिकन है। इसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक लगाकर एक घंटे के लिए छोड़ दिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आप नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाकर इसे रख देंगे ना, तो आपकी चिकन बहुत सॉफ्ट पकेगी, चुई नहीं होगी ज़्यादा। इसीलिए मैं इसे हमेशा जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक लगाकर रख देती हूँ एक घंटे के लिए। अभी मैंने 2 से 3 मिनट तक चिकन को अच्छे से भून लिया। अब मैं उसमें डाल दूंगी जो हमने मसाला जो पीस कर रखा था ना, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अभी इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो मसाला में प्याज वगैरह है उसका पानी छूटेगा, तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अभी हम इसी पानी में इसे कुक करेंगे और इसे हम 2 मिनट ज़रा मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, क्योंकि चिकन में भी मैंने नमक लगा कर रखा था, तो हम अभी संभाल कर डालेंगे नमक। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं डालूँगी जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है ये। जीरे को मैंने रोस्ट कर ग्राइंड कर से पाउडर बना कर रख लिया था। और इसे मैं डालूँगी मैं 200 ग्राम्स कर्ड, और इसे मैं अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी हम इसीलिए नहीं डालेंगे क्योंकि कर्ड का भी पानी इसमें रिलीज होगा, तो वो चिकन उसमें ही अच्छे से पक जाएगी। आप देख सकते हैं अभी कर्ड का पानी इतना निकलेगा कि चिकन इसमें पक जाएगी। देखिए ये एक 2 से 3 मिनट पकने के बाद का क्लिप है। आप देख सकते हैं कर्ड का और ऑनियंस वगैरह का पानी कितना छूटा है। अब ये इसमें ही अच्छे से हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। देखिए अभी हमारी चिकन अच्छे से भुन गई है, तेल आजू बाजू से आप देख सकते हैं निकल रहा है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आप आपके हिसाब से जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, उतनी आप इसमें पानी डालकर इसे आप ग्रेवी टाइप जैसे भी आपको चाहिए आप रख सकते हैं। देखिए मैंने इतनी कंसिस्टेंसी रखी है ताकि हम इसे पराठे, नान, बटर नान के साथ हम इसे खा सकें। और इसके ऊपर अभी मैं धनिया डाल दूंगी और इसे हम 1-2 मिनट, क्योंकि हमने पानी डाला है तो पानी भी अच्छे से ये हो जाना चाहिए, बॉईल हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं 1-2 मिनट इसे कवर कर पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए बस। हमारी कढ़ाई चिकन तो तैयार हो गई है और ये आटे को भी 2 घंटे हो गए हैं। और अभी मैं इसे एक बार अच्छे से गूंथ लूँगी। आप देख सकते हैं ये कैसा हो गया है, थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है ये आटा। तेल लेकर आप इसे अच्छे से गूंथ लें। अभी मैंने लोई ले ली है आटे की, जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं उतनी ही मैंने ली है। और इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्लोर और उससे मैं एक मीडियम साइज़ की रोटी बना लूँगी। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे हम, मीडियम बनाएंगे। देखिए मैंने बना ली है रोटी और एक साइड में थोड़ा सा बीच में पानी लगाया है मैंने, उस पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता ताकि वो चिपक जाए। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं और निकल जाएगा घड़ी घड़ी। और दूसरी साइड मैंने अभी टर्न कर दिया है रोटी को। और हाँ, यहाँ पर मैं पूरी जगह अच्छे से आप देख सकते हैं ब्रश से मैंने पानी लगा दिया है। ये मैं पानी लगा रही हूँ और इसे मैं अभी तवे पर, यहाँ पर मैंने आयरन का तवा लिया है, इसे मैं अभी चिपका दूँगी। नॉन स्टिक तवा ना लें, उस पर ये चिपकेगी नहीं। देखिए अभी एक साइड ये पक गई है नीचे से और ऊपर से ये फ्लफी हो गई है। और अभी मैं तवा उल्टा कर इसे मैं पकाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं कैसा कर रही हूँ, बस वैसे ये करना है, तो ये दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से ब्राउन हो गई है। ये ज़रा नीचे से चिपक जाती है तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगी। देखिए ये अभी अच्छे से निकल गई है, मैं इसे एक जाली पर निकाल रही हूँ और इस पर मैं लगाऊंगी अभी मेल्टेड बटर है ये। बटर लिया है मैंने, उसे थोड़ा सा मेल्ट कर मैं इस पर अभी लगा दूंगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं अभी मैं दूसरा नान बना रही हूँ, बटर नान। तो आप इसे देखिए मैं कैसे बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए।
देखिए तैयार है हमारा कढ़ाई चिकन और बटर नान। ये बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।